हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब पता नहीं क्या हो गया, एकदम लगा शैतानी हरकत हो गया। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले पति पत्नी के बीच देर रात किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस घायल पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। महिला की हत्या की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। ये लोग यहाँ तो रहते नहीं थे, 3 साल हो गया। ये लोग मियाँ बीबी दोनों लोग अलग रहते थे। अब उसके बाद जो है इनका आना जाना भी नहीं था। ये अचानक रात में जो है अपना जो है मियाँ बीबी से जो भी बात हुई हो उसके बाद ये बच्चे लेकर जब बाहर निकले, जब मोहल्ले वालों ने देखा तो चिल्लाया वो, और फिर पुलिस को बुलाया गया। उसके बाद जो है उनको हिरासत में करवा दिया गया। लेकिन उस लड़के का माइंड नहीं सही था, कुछ दिनों से वो ईंटा पत्थर चलाता रहता था। तो इसके पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा आपको जानकारी में आया जो कभी हुआ हो? नहीं नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, नहीं। उसका नाम क्या है? उसका साइस्ता नाम है। साइस्ता? नहीं नहीं नहीं, और कोई नहीं। अकेले मियां बीवी झगड़ा हुआ? जी जी, झगड़ा ही हुआ। आम खाते खाते, आम खाते खाते ना बाजी, आम खाते खाते मतलब मतलब आम खा रहे थे चक्कू आपका, यही बात हम भी सुने हैं। आप क्या बता रहे थे, पहले कुछ हुआ था इनको माइंड को? वो एक दिन हम जुम्मा को नमाज पढ़ रहे थे हम घर में, तो ये इनका भाई जुम्मा को नमाज पढ़ के आया, अब पता नहीं क्या हो गया, एकदम लगा शैतानी हरकत हो गया। आके अपने दरवाजे में ईटा पत्थर सब चला रहे थे, तो माँ बोली भैया कहाँ हो गया कहाँ हो गया, तो फिर झाड़ फूक करवाई तो कुछ दिन सही हो गए। मतलब दिमाग को कुछ चक्कर था पहले से? दिमाग अब हमें ये नहीं मालूम भैया कि शैतानी हरकत है कि कोई बात है, उनका दिमाग वो जाने, जो देखे भैया वो बता दिए। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव सदर कोतवाली के किला चौकी के अंतर्गत ईदगाह पत्थर काटा कॉलोनी का रहने वाला 36 साल का सीबू खान और उसकी पत्नी 34 साल की साइस्ता परवीन में बीती रात किसी बात को लेकर आपसे झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद गुस्से में आकर पति शिबू ने उस पर धारदार चाकू से गले पर कई वार कर दिए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े और घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। वहीं महिला पर हमले की खबर मिलते ही तुरंत ही सदर कोतवाली प्रभारी अश्विनी मिश्रा चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की जांच की तो उसे उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उधर महिला की हत्या की जानकारी होते ही अपर पुलिस अधीक्षक शशिशेखर सिंह, सीओ सिटी आशुतोष कुमार भी घटना स्थल पर पहुंच गए और मोहल्ले के लोगों से घटना को लेकर जानकारी हासिल की। वहीं पुलिस की मुस्तैदी के चलते पुलिस ने जल्द ही हत्यारे पति शिबू को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब शिबू से पूछताछ कर रही है कि हत्या की असल वजह क्या है। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिज यूपी।